झोलाछाप डॉक्टर्स पर सख्त हुई है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार। फर्जी डॉक्टर्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर सीएमएचओ को निर्देशित किया गया है। इसको लेकर ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप डॉक्टर के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। झोलाछाप डॉक्टर्स को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सख्त है, एक्शन में नजर आती है अब, क्योंकि फर्जी डॉक्टर्स पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से। कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है, सीएमएचओ को निर्देशित किया गया है, और खास तौर से हम देखते हैं ग्रामीण इलाकों से ऐसी खबरें आती हैं कि झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों की जान पर बनाती है, और यही वजह है कि लगातार शिकायत मिलने के बाद अब सरकार ने एक्शन लिया है और कह दिया है कि झोलाछाप डॉक्टरों की अब खैर नहीं मध्य प्रदेश में, एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप डॉक्टर के बारे में जानकारी मांगी गई है। कलेक्टर्स को सीएमएचओ को निर्देशित कर दिया गया है। झोलाछाप डॉक्टरों का जो कारोबार है, जो दुकान है, जो चलाते हैं, क्लिनिक खोल लेते हैं फर्जी डिग्री से, झोलाछाप डॉक्टर जिनके इलाज से कई लोगों की जान पर बनाती है, अब ऐसा नहीं होगा मध्य प्रदेश में, ऐसा नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अंचल, लगातार शिकायत मिलने के बाद अब सरकार ने एक्शन लिया है। बिल्कुल सुमित, और प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, फर्जी डॉक्टरों को नियंत्रित करने की आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। झोलाछाप चिकित्सकों के संस्थानों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप डॉक्टरों के बारे में विभाग ने पूरी जानकारी भी इकट्ठी करने के लिए कही है, और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर सरकारी सुविधाओं के बारे में लोगों को जानकारी दें, ताकि ये झोलाछाप डॉक्टर जो गांवों में अपना अड्डा बनाकर रखे हुए हैं, और कई बार इनके इलाज करने के तरीके और गलत दवाई देने से लोगों की मौत भी हो जाती है। लेकिन वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं अब तो गांव-गांव पहुंच भी रही है, लेकिन फिर भी लोग उन्हीं पर आश्रित हैं, जिस पर अब सख्त कार्रवाई के निर्देश जो है तो सरकार ने दिए हैं, और जिस पर बाकायदा लेटर पत्र जारी करके और निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से कार्यवाही करनी है। इसके बाद सभी कलेक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी जो है वो सतर्क हो गए हैं। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंचल जुड़ने के लिए।